ओके सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अतुल धीमान एंड आज जो है आपका 8 अगस्त था और टुडे इज़ द जजमेंट डे। आपने पेपर वन अभी दे दिया है, मेरे पास पेपर वन पड़ा हुआ है और इस पेपर को मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है कि कौन सा एरिया था जहां से सवाल पूछे गए हैं और क्या जो हमने बोला, जो मैंने आपको बताया था कि क्या एनसीईआरटी काम में आएंगी, कौन से सोर्सेज आपने पकड़ने हैं, रिवाइज करना है, क्या वो चीज़ें इस पेपर के अंदर जो हमारी रियलिटी है क्या ये मैच करता है कि नहीं करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने बताया था कि स्टिक टू द एनसीईआरटी, स्टिक टू द बेसिक्स, वो 101% हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे काम की है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पक्का किया था कि नहीं हमें और कुछ नहीं पढ़ना, हमें एनसीईआरटीज देखनी है, रिवाइज करना है और उसी के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ना है, पेपर देना है और डेफिनेटली उनका सभी का पेपर अच्छा गया होगा। मैं आपको एक होलिस्टिक ओवरव्यू दे देता हूँ इस पेपर के रिगार्डिंग। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, कल जो है 9 अगस्त को मैं लाइव सेशन लूँगा, प्रॉपर एनालिसिस करूँगा, पूरी मेहनत करके आऊँगा कि आपका जो पेपर है उसमें जो एग्ज़ाम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का कहाँ से सोर्स है और वो सोर्स क्या आपके अंडर था कि नहीं। एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस में निकालने की पूरी कोशिश करूँगा और वहीं से देखूँगा कि आपने वो पेपर को, तभी मैं उस बेसिस पे कह रहा हूं कि ये पेपर जो है इट वाज अ मॉडरेट पेपर, डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी भी नहीं है, मॉडरेट पेपर था। अब मैं आपको बताता हूं इसका सेग्रीगेशन क्या है। देखिए मैथ्स एंड रीजनिंग, अगेन एक थॉट था कि 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स रीजनिंग के, लेकिन ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस जो मुझे पेपर में दिखे हैं, 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो इतने डिफिकल्ट भी नहीं है। ट्रस्ट मी, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछा गया है, जो पैटर्न होता है वैसा वैसा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, रेशियोज़ का क्वेश्चन पूछा गया है, कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमें पता है प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इतना डिटेल में नहीं बल्कि सरफेस लेवल पर वो क्वेश्चन थे। ठीक है, सो मैथ्स रीजनिंग 13 क्वेश्चंस बन गए। इकोनॉमिक्स देखो, अगेन 10 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के हैं और इकोनॉमिक्स जो पूछी गई है, एवरी इकोनॉमिक का जो भी कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इन योर एनसीईआरटी के अंदर है। आप बात कीजिए इकॉनमी स्टेबलाइजर के बारे में, जीवी के बारे में, जीडीपी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ये सारा जो है और मनी का कॉन्सेप्ट के बारे में, इट इज़ ऑल इन देयर एनसीईआरटी, इन योर एनसीईआरटी, मैक्रो माइक्रो के अंदर। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स के लगभग 10 क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें तो 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आए हैं। 20 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी है हमारी, वो भी मेजरली हमारी एनसीईआरटी से ही कवर होती है। कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे जीसी लियोंग से भी मैंने देखे क्वेश्चंस, तो थोड़े बहुत जीसी लियोंग किसी ने पढ़ी होगी तो वहाँ से भी रिलेट करके आंसर दे रहा होगा वो स्टूडेंट। और पर एनालिसिस तो कल बताऊंगा, बस आज मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चंस का और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज्योग्राफी 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री एनसीईआरटी कुछ ऑफ टॉपिक्स थे जैसे कि जाट पीजेंट लीडर्स, ये शायद एनसीईआरटी के अंदर इतना डिटेल के अंदर नहीं दिया हुआ है। और भी कुछ दो चार टॉपिक्स हैं जो थोड़े से 19-20 हैं, वो उनको छोड़ के बाकी सारा एनसीईआरटी है। और जिसने बच्चे ने स्पेक्ट्रम भी पढ़ी होगी उसके लिए तो और भी अच्छी हेल्प हुई होगी। और हमारा जो पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत इज़ द अल्टीमेट सोर्स बाइबल, तो उसमें से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है लेकिन ठीक क्वेश्चंस हैं। अगर जिसने अच्छे से पढ़ाई किया होगा, लक्ष्मीकांत को बार बार पढ़ा होगा तो डेफिनेटली वो आंसर कर पा रहा होगा। नाउ करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर का वही पैटर्न जो आपको पिछले 5 सालों से फॉलो किया जा रहा है, स्टेटमेंट विद 4 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज वन, स्टेटमेंट विद 4 वर्ड्स वाले ऑप्शंस, ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन आपने चूज करना है। 14 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आए हुए हैं तो और मेजरली मई जून का ही पैटर्न फॉलो किया गया है। और अब देखो साइंस में 30 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस हैं और इन 30 क्वेश्चंस को आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि मेजरली जो क्वेश्चंस 9th-10th के, बट इसमें +1 +2 के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं है बट हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सो अगर ये सारा का सारा क्रक्स निकाला जाए जो मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस,
5 सब्जेक्ट्स, स्टैटिक सब्जेक्ट्स आप पकड़ के रख लेंगे तो आपका 80% जो सिलेबस है वो कवर हो चुका है। वो 80% आपका जो होगा वो कहीं नहीं जाएगा आपसे। सो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा है मैथ्स रीजनिंग 13 क्वेश्चंस, थोड़ा सा अनयूजुअल है। लास्ट ईयर भी इस तरीके से पैटर्न था, 25 क्वेश्चन एक्सेप्टेबल होते हैं, मतलब एक्सपेक्ट किए जाते हैं, बट इतना नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चंस, ठीक है, ज्योग्राफी 20 का क्वेश्चंस आए, हिस्ट्री 19 क्वेश्चंस आए, पॉलिटी 17 क्वेश्चंस, साइंस 30 क्वेश्चंस। तो ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। ये पेपर मेरे सामने था, मैंने देख लिया इस पेपर को, और एकदम से ये अंडरस्टैंड कीजिए नंबर वन पॉइंट, इट इज़ मेक श्योर कि आपका जो कट ऑफ है वो 120-125 के अराउंड रहने वाली है। मुझे जितना लगता है 125 तक तो रहेगा ही रहेगा कट ऑफ, जितना मुझे लगता है। दूसरी बात, पेपर टू के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी पेपर टू कम्प्लीट नहीं हुआ है, जैसे पेपर टू कम्प्लीट होगा वील मेक एनालिसिस ऑफ दैट पेपर टू ऑल्सो, बट पेपर टू के ऊपर भी बहुत मैटर करता है। अगर 125 कट ऑफ गई हुई है और आपके 126 है, एक नंबर ज़्यादा है, तो कुछ नहीं होगा, आप मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे, प्रोवाइडेड दैट यू डू रियली वेल इन द पेपर टू। तो पेपर टू के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। आप पेपर टू जो है वो एक गेम चेंजर हो सकता है, तो उसमें देखते हैं कैसा उसमें रहता है। और आपने अपना एफर्ट लगाया है, मैंने जितनी भी अपनी लर्निंग थी कि हाँ यार एनसीईआरटी पे डिपेंड करो, एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी सिर्फ 11th-12th की मत पढ़ो, 9th-10th की भी पढ़ लो, 6th-7th की भी पढ़ लो, तो ज़्यादा बेटर हमारा ग्रिप होगा सब्जेक्ट के ऊपर। मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें एक पैटर्न उसमें चली हैं, क्योंकि एक खुद को लगता है कि क्या पता इस बार एनसीईआरटी से ना आए, क्या पता कुछ ऐसा ऑफ टॉपिक आ जाए जो बेसिकली हमने नहीं कंसिडर किया हो, तो वो चीज़ का एक इनसिक्योरिटी ज़रूर रहती है। बट अगर एनालिसिस सही रहता है PYQs का, तो हम लोग फिर वो डेस्टिनेशन जो पाथ है उसको प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये चीज़ हुई भी है। और बिल्कुल आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए, जो भी आपका डाउट क्वेरी है यू कैन डायरेक्टली विजिट टू आर पोर्टल, और अभीपीडिया इस वीडियो के कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। आगे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कोई बड़ी स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट कोई बहुत बड़ा आपको काम नहीं करना है। जो काम जो सिलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर वेरी काम एंड दे आर जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन व्हाट दे आर सपोज टू फोकस। तो एनसीईआरटी रेफरेंस बुक 2-4, बात खत्म, आपका पेपर क्लियर होगा ही होगा, चाहे कितना भी कट ऑफ जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल, इस वीडियो में तो ये बता दिया। आगे कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं इस पेपर के, हम लोग रेफरेंस विद द रेफरेंस वो मैं लेकर आऊँगा, और आपको जो है एक क्लैरिटी हो जाए। क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है रिगार्डिंग योर गोल, वेदर यू विल बी क्लियरिंग दिस एग्जाम और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। तो कल की वीडियो के अंदर आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट, टू सी, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी ऑल गुड टू गो, ठीक है। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।